दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल फंडा फर्स्ट। आज के टॉपिक में ओप्पो फोन से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है। यदि आप ओप्पो फोन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है पूरी देख लें। ओप्पो फोन का बहुत ही जबरदस्त फोन लेके आया हूँ भाई साहब। दोनों तरफ कैमरा मिलेगा, फ्रंट साइड का, यानी जब फ्रंट साइड में बात करोगे ना, आगे की तरफ आपका फेस दिखेगा और पीछे का भी देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप एक क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं तो ये फोन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहें और आप इस वीडियो को पूरी वॉच करें, ठीक है। और हमारा चैनल टेक्निकल समझो फर्स्ट, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसी यानी जानी पहचानी वीडियो देखने को मिलती रहे। और बहुत ही अच्छा फोन लेके आया हूँ। ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, दो तीन फोन हो गया, लेकिन ओप्पो का ये जो फोन दिख रहा है ना, 15,999 रुपए का मिल रहा है भाई साहब। अब बात करें ऑनलाइन मिल जाएगा या ऑफलाइन मिल जाएगा, तो आप लोगों को ऑफलाइन भी मिल जाएगा और 5G फोन है, ठीक है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी बैकअप इसमें मिल रहा है, बहुत ही जबरदस्त है। इसमें डुअल कैमरा मिल रहा है भाई, फ्रंट साइड में डबल कैमरा है, बैक साइड में जो अलग कैमरा है वो है ही है। तो आप जो है इसमें बहुत सारी सुविधाएं देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको घर पे बात करनी है या बाहर बात करना है या कुछ वीडियो बनानी है, तो ये फोन बहुत ही अच्छा रहेगा भाई साहब। इतना सस्ता और इतना यानी खतरनाक फोन अभी तक मार्केट में आया नहीं है। मार्केट में एक ही फोन लॉन्च हुआ है, वो भी ओप्पो का फोन। ओप्पो का इस फोन में ना बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। देखा जाए तो डिमेंसिटी जो होता है 300 डिमेंसिटी मिल रहा है इसमें, 300 और 120 Hz का इसका प्रोसेसर मिल रहा है। मेमोरी की बात करें 6128 का मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और बैटरी बैकअप तो आप जान ही गए हैं, 5000 mAh का बैटरी बैकअप। लेकिन बात करूँ इसकी गेमिंग वगैरह, तो गेम वगैरह अच्छे से खेल सकते हैं, गेम में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ज़्यादातर आप लोगों को वीडियो क्रिएटर हैं, आप इंस्टाग्राम की वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, फेसबुक की वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। फायदेमंद कैसे पता है? जब आप वीडियो बनाएंगे सोचेंगे कि मैं बैक साइड का भी पिक्चर ले लूं और अपना भी फेस दिखाऊं, तो वो दोनों मुमकिन है आज के टाइम पे, इस टाइम पे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है भाई साहब। यदि एक ब्लॉगर है ना, तो आप ऐसे बनाते बनाते आप अपना फेस तो दिखा ही रहे हैं, पीछे बैक साइड का भी दिख रहा है कि आप बात कर रहे हैं और पीछे भी दिख रहा है, नजर आ रहा है। वीडियो बनाए चाहे फोटो बनाए, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को ये वाला फोन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। 15,999 रुपए में है। यदि EMI पे लेते हैं तो आपको अपने हिसाब से 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा भाई साहब। 1500 रुपए दे दो और लेके चले आओ फोन। हर महीने 1500 रुपए डालते रहने का है। 2000 भरना चाहते हैं, 3000 भरना चाहते हैं तो भी मुमकिन है, ठीक है दोस्तों। तो ये फोन आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अभी रह गई बात ओप्पो हो गया, वीवो का फोन भाई साहब, वीवो ने भी धमाल मचा रखा है। वीवो का फोन ये 10,000 से 11,000 रुपए में आ जाएगा और बहुत ही अच्छा फोन है। पीछे बैक साइड में देखा जाए तो कैमरा अच्छा है और फ्रंट साइड में 5 MP का मिल रहा है भाई साहब। अगर आपको खरीदना है तो 11,000 से 11,500 में मिल जाएगा वीवो का। और ये जो है इतना खास नहीं है जितना कि ओप्पो वाला खास है, ठीक है। आपको लेना है तो ओप्पो वाला ले लीजिए, चाहे EMI पे ले लीजिए। 5,000 से 6,000 रुपए है तो जमा कर दीजिए 5,000 रुपए और वो फोन लेके चले आओ घर पे, अपना आराम से जो है काम करते रहो, आराम से सब कुछ होता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग सहमत हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं। ये जो फोन दिख रहा है, आप फोन देख रहे हैं, कितना आपको अच्छा लगा, कितना नहीं लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाई साहब जिसके पास ओप्पो A3 फोन है 5G वाला, तो प्लीज हमें कमेंट करके बोलो कि उसमें क्या क्या आपको फीचर्स अच्छे लगे। बैटरी बैकअप अच्छा लगा या मॉडल उसका अच्छा लगा या उसका कॉर्नर जो होता है राउंड साइड में वो कैसे लगा, आपको कैमरा की क्वालिटी कैसी लग रही है, इसका जो है प्रोसेसर यानी ऑडियो टूल जो होता है वो कैसे लगा,
और इसमें क्या क्या फीचर्स नए नए आ रहे हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है तो वो कितने लॉन्ग यानी कितना लंबा तक वीडियो या उसका प्रोसेसर अच्छा होता है जो कवर करे, ठीक है, फोटो वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना दोस्तों, आप लोग एक बात ध्यान रखना, फोन खरीदने से पहले उसमें देख लेना आपको चार्जर साथ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बात जरूर देख लेना। चार्जर का ऑप्शन होता है उसमें देख लेना कि इसमें साथ में चार्जर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उस फोन को मत खरीद दीजिए, ठीक है। बहुत सारे फोन मार्केट में ऐसे आ रहे हैं कि आप लोग फोन तो खरीद ले रहे हैं लेकिन उसमें चार्जर नहीं आ रहा है, तो चार्ज कैसे करोगे भाई। चार्जर साथ में लेना जरूरी है, कोई भी फोन खरीद रहे हो आप उसका डिटेल देखो, उसके साथ चार्जर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये बात अगर आपको मालूम नहीं है तो यहीं से मालूम कर लो। अभी के टाइम पे जितने भी फोन आ रहे हैं बहुत फोन के साथ चार्जर मिल रहा है, बहुत फोन के साथ चार्जर नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो देखने को हमेशा मिलते रहे। चलिए स्टॉप करते हैं, फोन खरीदिए, फिर फोन खरीदने के बाद रिव्यू दे देना, ठीक है, हमारे पास कमेंट कर देना आपको फोन कैसा लगा।